कविता किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे मटन कोरमा, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्याज फ्राई कर लेंगे। इसके लिए गैस पर हम कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसमें हम तेल डाल देंगे। तेल को हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तो अब तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो अब इसमें हम प्याज को डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 5 मीडियम साइज के प्याज को बारीक से काट लिया है और हमने इसे इस तरह से क्रश कर लिया है। तो अब इसे हम तेल में डाल देंगे। प्याज को हम बीच बीच में चलाते हुए हल्का ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो अब ये हल्का ब्राउन हो चुका है, तो अब इसे हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमने 10 से 12 काजू लिया है, इसे हमने थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में भिगो करके रख लिया है। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे और इसे पीस लेंगे। तो देखिए, इसे हमने पीस लिया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नारियल का बुरादा, थोड़ा सा केसर डाल देंगे। केसर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। इसे हम मिला लेंगे। अब हम इस फ्राई किए हुए प्याज को पीस लेंगे। तो देखिए, इसे हमने पीस लिया है। अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमने 1 कप दही लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल देंगे। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, इसे हमने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, इसमें हम 1 कप के करीब घी डालेंगे। गैस यहाँ पर हमने मीडियम रखा है, इसे हम थोड़ा गर्म होने देंगे। अब इसमें हम खड़ा गरम मसाला डाल देंगे, 2 दालचीनी डाल देंगे, 2 बड़ा इलायची डाल देंगे, 7 से 8 छोटी इलायची डाल देंगे, 9 से 10 लौंग डाल देंगे और 10 से 12 काली मिर्च डाल देंगे। इसे चला देंगे। अब इसमें हम 700 ग्राम मटन डालेंगे। साथ ही जो हमने दही और मसाले का पेस्ट बनाया था वो भी इसमें डाल देंगे। 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब इन सभी को अच्छी तरह से मिला देंगे। और 10 मिनट के लिए इसे मीडियम आंच पे इसी तरह पकने देंगे। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। तो अब 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब इसे हम 20 मिनट के लिए ढक करके पकने देंगे। बीच बीच में इसे हम चलाते रहेंगे। तो अब 20 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें हम पिसा हुआ प्याज डाल देंगे। इसे मटन के साथ अच्छी तरह से मिला देंगे। तो इसे हमने अच्छी तरह से मिला दिया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक करके पकने देंगे। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं,
तो इसे एक बार चला देंगे। अब इसमें हम 1.5 गिलास पानी डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अब गैस यहाँ पर हम फुल कर देंगे और इसमें उबाल आने देंगे। तो अब इसमें उबाल आ चुका है, तो गैस यहाँ पर हम मीडियम कर देंगे और इसे हम 20 मिनट के लिए ढक करके पकने देंगे। बीच बीच में इसे हम 1 से 2 बार चला देंगे। तो अब 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब गैस यहाँ पर हम धीमी कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा जावित्री को क्रश करके डाल देंगे। 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, 1 चम्मच केवड़ा वाटर डाल देंगे, थोड़ा सा अदरक डाल देंगे, इसे हमने टुकड़ों में काट लिया है, और इसमें हम काजू का पेस्ट डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला देंगे। अब इसे ढककर 5 मिनट के करीब और पका लेंगे। तो अब 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब गैस बंद कर देंगे। तो देखिए, अब मटन कोरमा बनकर तैयार है। अब इसे हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। आप भी अपने घर पर इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।